हेलो गाइस स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि आप जैम्प पोर्टल पर ई एम कैसे ले सकते हैं और कौन कौन सी कैटेगरी वालों के लिए ई एम डी अलाउड है और कौन सी कैटेगरी वालों के लिए ई एम डी है वो अलाउड नहीं है और इससे पहले मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है अपना ई एम डी का पर वो क्या था उसमें जो ई एम डी है वो है ई टेंडर पोर्टल के लिए पर अभी जो मैं बात करने वाली हूँ वो जैम पोर्टल की कर रही हूँ और मैंने उस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि आप कैसे अपना ई एम डी ई पोर्टल की साइट पर ले सकते हैं जिसका लिंक आपको मेरे टॉप पर आई बटन पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आप जैम डॉट की साइट ओपन करेंगे और यहाँ पर आप लॉगिन कर लेंगे यहाँ पर आप अपना यूज़र आई डालेंगे यूज़र आई डालने के बाद आपने यहाँ पर कैप्चा एंटर करना है कैप्चा एंटर करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे सबमिट करने के बाद आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करना है पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने सबमिट कर देना है जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप जैम पे लॉग हो चुके हो और यहाँ पर आप जिस भी बिड के लिए एग्जम्शन चाहते हैं उस बिड को आपने पहले ओपन करना है जैसे कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है बिड्स यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा है लिस्ट ऑफ़ बिट्स तो मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ क्लिक करते ही आपके सामने ये बहुत सारी बिट्स आपको दिखाई दे रही है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक हेयर फॉर द ओल्डर वर्जन ऑफ बिट लिस्टिंग तो यहाँ पर आप ऑन गोइंग बिट्स देखना चाहते हैं कि पार्टिसिपेटेड बिट्स देखना चाहते हैं तो मैं अभी ऑन गोइंग की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी क्लिक करते ही आप यहाँ पर अपनी बिड को सर्च करेंगे तो गाइज़ यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने बिड नंबर डाल दिया है तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे सर्च करते ही आपको यहाँ पर आपकी बिड फाइंड हो जाएगी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है बिड नंबर तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक करते ही यहाँ पर एक फ़ाइल डाउनलोड हो गई है तो आप इसको ओपन करेंगे तो ये जो फाइल है वो आपकी बिड डॉक्यूमेंट्स की है और तो इसमें आपको आपकी सारी बिड की डिटेल मिलेगी तो अभी हमने जो इसमें देखना है वो ई एम डी एग्जामिशन का देखना है तो आप यहाँ पर कंट्रोल एफ करेंगे कंट्रोल एफ करके आप यहाँ पे ई एम डी लिख देंगे तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एडवाइजरी बैंक है वो एस बी आई है और ई एम डी अमाउंट है वो बारह हजार साठ रुपये है तो यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि ई एम डी एग्जामिशन किस को अलाउड है तो यहाँ लिखा है कि द द बिडर सीकिंग मस्ट सबमिट वैलिड स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट फॉर द रेलिवेंट कैटेगरी एज पर जेम जी टी सी विद द बिड अब आप कहोगे कि जेम जी टी सी क्या है जेम जी टी सी मतलब कि जो जेम वालों की जनरल टर्म एंड कंडीशन है तो पहले हमें उसको रीड करना पड़ेगा तो उसके लिए आप इसी फाइल में नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको एंड वाले पेज पे जनरल टर्म एंड कंडीशंस का एक लिंक मिल जाएगा तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है वैसे आपको जनरल एंड टर्म कंडीशन का विदाउट लॉग इन करके आपको जैम की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो जैम वालों की जनरल टर्म एंड कंडीशन की फाइल है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है और ये इन्होंने अभी ही लेटेस्ट डाली है थर्टी फर्स्ट जून 2023 को और गाइज सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो ई एम डी है वो बायर्स को भी और सेलर को भी क्लियर होना बहुत जरूरी है बायर्स के लिए इसलिए है क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि उनको किस किस कैटेगरी में ई एम डी देना है और अगर मान लो सेलर ने ई एम डी ले लिया है और उनको क्लैरिफाई ही नहीं है कि उन्होंने किस कैटेगरी में ई एम डी लिया है या फिर उन्होंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लगा दिया है जो कि ई एम डी एग्जामिशन के लिए वैलिड नहीं है तो उनका जो बिड है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है और मेरी एक वीडियो में भी कमेंट आया था कि मैम मैंने ई एम डी एग्जामेशन लिया था पर उन्होंने ई एम डी एग्जामेशन को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने मेरी जो बिड है वो रिजेक्ट कर दिया तो आपको इस वीडियो में वो सारा क्लैरिफाई हो जाएगा किस किस कैटेगरी में आपको ई एम डी एग्जामेशन अलाउड है तो मैं सारी बातें आपको इस जनरल टर्म एंड कंडीशन में बताऊंगी। तो यहाँ पर आप पहले सर्च करेंगे ई और गाइज आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर आपका बिड है वो फाइव लाख ,00 का है तो आपको ई देने की कोई ज़रूरत नहीं है और अगर जो आपका बिड फाइव लाख से ऊपर है तो उसमें किन कैटेगरी वालों को ई एम अलाउड है और किन को नहीं है तो अब हम ये देखेंगे किस कंडीशन में आपको बिट सिक्योरिटी देनी पड़ती है और कुछ केसेस में ये बिट सिक्योरिटी एग्जमटेड भी होती है और गई ये जो बिट सिक्योरिटी एंड ई होती है वो एक ही बात होती है बाकी एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो कि अलग चीज होती है और ई uh, और सिक्योरिटी डिपॉजिट में क्या डिफरेंस है उसका मैं एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए डाल दूंगी जिससे कि आपको क्लैरिफाई हो जाएगा और मान लीजिए जैसे कि आप ई के लिए बैंक गारंटी दे रहे हैं तो उसके लिए क्या क्लोज है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द सेम शुड बी वैलिड फॉर फोर्टी फाइव डेज़ बिय वैलिडिटी इसका मतलब है कि मान लीजिए कि जो आपने बिट सबमिट की है वो ओपन हुई है फिफ्टीथ जून को और जो उसकी बिट वैलिडिटी है वो थर्टी डेज की है इट मीन्स कि वो फिफ्टीन जुलाई होगी और फिर आपको उसके बाद फोर्टी फाइव डेज काउंट करने हैं जो कि आपकी बैंक गारंटी की वैलिडिटी होनी चाहिए उसके बाद आप देखेंगे कि कौन से सेलर को अलाउड है तो यहाँ पर आप फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि लिखा है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज हु आर होल्डिंग वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन एंड आर मैन्युफैक्चरर ऑफ द ऑफर्ड प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज जो कि प्राइमरी प्रोडक्ट सर्विस इन केस ऑफ बंच पिट विथ टोटल वैल्यू वाइज ई वैल्यूएशन तो इस वाले क्लोज में ये लिखा हुआ है कि आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज में रजिस्टर्ड होने चाहिए इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो मीडियम एंटरप्राइज है उनको ई एम डी एग्जामेशन अलाउड नहीं है और जो मैन्युफैक्चरर है उनका प्राइमरी प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए उद्यम रजिस्ट्रेशन में और मान लीजिए कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हो और आप एक बंच बिट सबमिट कर रहे हैं तो आपका एक प्राइमरी प्रोडक्ट है रजिस्टर्ड होना चाहिए और गाइज अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि क्यों मीडियम एंटरप्राइज वालों के लिए एग्जामिशन अलाउड नहीं है और मैन्युफैक्चरर को ही क्यों एग्जीबिशन मिल रही है ट्रेडर्स को क्यों नहीं मिल रही और जो एम वाले हैं उनको क्या क्या एडवांटेज है और क्या नहीं है तो ये सब मैं वैसे इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए डाल दूंगी और गाइज़ गवर्नमेंट ने माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम दी है कि उनको ईएमडी एम डी नहीं देना होगा पर उन्हें एक कंफर्मेशन लेटर देनी होगी जिसमें कि वहाँ पे लिखा होगा कि दे आर मैन्युफैक्चरर ऑफ द काटेड आइटम्स मतलब कि जो भी वो आइटम कार्ट कर रहे हैं उसके वो मैन्युफैक्चरर है उसके एक कन्फर्मेशन देनी होगी उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ और आप उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर जाकर एक बार चेक भी कर सकते हैं कि जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो माइक्रो में हुआ है स्मॉल में हुआ है या मीडियम में हुआ है उसके बाद आप देखेंगे कि सेकंड पॉइंट है स्टार्टअप एज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जिसके लेके स्टार्टअप रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि एमडी एग्जemption के लिए वैलिड है जो आपका स्टार्टअप है वो डी पी आई आई टी की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होना चाहिए और आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए तो आप ए एम डी एग्जामिशन ले सकते हैं और ऐसे ही आपका के वी आई सी आकाश डब्ल्यू डी ओ क्वायरबोर्ड ट्राइफेड एंड केंद्रीय भंडार में भी आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ए एम डी एग्जामिशन के लिए उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है की सेलर हुयर क्रेडेंशियल वेरीफाइड थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेंडर असैसमेंट बाई वेंडर असैसमेंट एजेंसी फॉर द प्राइमरी प्रोडक्ट मतलब कि जो सेलर हैं उन्होंने वेंडर असेसमेंट प्रोसेस के थ्रू अपना जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो वेंडर असेसमेंट एजेंसी में रजिस्टर्ड किया हुआ है तो उनके लिए ये एएमडी एम डी एग्जामेशन अलाउड है अब आप फिफ्थ पॉइंट देखेंगे कि जो सेलर है उसका जो टर्नओवर होना चाहिए वो 500 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए वो भी थ्री लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो कि इन्होंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा मेंशन कर रखा है थर्टी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो ये क्लोज भी आपको ध्यान में रखना है ई एम डी एग्जामिशन के लिए उसके बाद हम नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेलर सर्विस प्रोवाइडर होल्डिंग वैलिड बी आई एस लाइसेंस फॉर द प्राइमरी प्रोडक्ट कैटेगरी तो जो सेलर है और जो सर्विस प्रोवाइड है उनके पास एक बी आई एस लाइसेंस होना चाहिए जो कि आपके प्राइमर प्रोडक्ट कैटेगरी में वैलिड है उसके बाद सेंट्रल या स्टेट पी होना चाहिए उसके बाद आप देखेंगे कि सेलर सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड विद डेजिग्नेटेड एजेंसी अथॉरिटी जो तो आपकी फॉर्म है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए एक डेजिग्नेटेड एजेंसी में और एक अथॉरिटी में और ये वाला जो क्लोज है वो आपको बिड डॉक्यूमेंट में, में मेंशन होगा कि जो आपकी फॉर्म है वो कौन सी एजेंसी में रजिस्टर्ड होनी चाहिए कईयों का क्या होता है कि उन्होंने आईओ में अपना रजिस्ट्रेशन कराया होता है और कईयों के पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है और कई क्या करते हैं कि अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लगा देते हैं तो आपको बिड डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग देखना है कि उनको कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और कई लोग क्या करते हैं इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं और उनको पता नहीं होता कि कौन सा डॉक्यूमेंट उनको लगाना है तो वो कुछ भी लगा देते हैं जिससे कि क्या होता है जो उनकी बिड है वो रिजेक्ट हो जाती है और उनको वो टेंडर भी मिल नहीं पाता है तो इस चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट में क्या मेंशन है कौन सा डॉक्यूमेंट लगना है और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नॉट यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है नो एम डी टू बी टेकन फ्रॉम एक्साम कैटेगरी ऑफ सेलर्स इवन बायसिफिक क्लोजेज मैं सी एस टी सी बाय द बायर्स सच क्लॉज विच आर अगेंस्ट दैम जी टी सी विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वाइड तो ये बोलना चाह रहा है कि कई बार क्या होता है कि जो बायर्स होते हैं वो कुछ कंडीशन एक्स्ट्रा डाल देते हैं अपनी बिड में जैसे कि वो ए डाल देते हैं एस डाल देते हैं एडिशनल टर्म एंड कंडीशन डाल देते हैं स्पेशल टर्म एंड कंडीशंस डाल देते हैं कि इनका ई एम होगा और इनका नहीं होगा तो ये जो बायर्स अपनी ए और एस डालते हैं ये अलाउड नहीं है क्योंकि ये जो क्लोज है वो जेम जी के अगेंस्ट है जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं जनरल टर्म एंड कंडीशन जो जेम की जनरल एंड कंडीशन है वो ही हम सुप्रीम मान के चलेंगे अदरवाइज और कोई कंडीशन हम मानते हैं तो वो नल एंड वायड उसको ट्रीट करेंगे तो अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप कैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करके बिड के अंदर ई एम डी एग्जामेशन ले सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने ये वाली बिड ओपन की थी तो आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे पार्टिसिपेट करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस पे शो हो जाएगा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके लेफ्ट साइड पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं तो आपने इसको अपने बिड के अकॉर्डिंग सबमिट करना है अभी मैं आपको ई एम डी एग्जामेशन का बताने जा रही हूँ जैसे कि आप यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ऑप्शन लिखा हुआ है डू यू वॉन्ट टू रिक्वेस्ट फॉर ई एम डी एग्जामेशन तो मैं यहाँ पर यस yes करती हूँ यस yes करने के बाद आप देखेंगे कि प्लीज़ चूज़ द ई एम डी एग्जमशन कैटेगरी तो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है वीडियो में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट से मिलने हैं और एम एस सी में किस किस को अलाउड है एग्जम्शन और किस को नहीं है और ये कि ये वाला ऑप्शन भी है रजिस्टर्ड भी डेजिग्नेटेड एजेंसीज एंड अथॉरिटी जिसमें कि आप आई एस ओ लगा सकते हैं इनकॉपोरेशन लगा सकते हैं तो ये सारी जो कैटेगरीज हैं इसमें आप रजिस्टर्ड होने चाहिए यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं रजिस्टर्ड विद डेजिग्नेटेड एजेंसीज एंड अथॉरिटी पर सिलेक्ट कर रही हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज अपलोड स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट फॉर एग्जाम्शन यहाँ अपलोड फ़ाइल में आपने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जैसे कि आई हो गया इनकॉर्पोरेशन हो गया तो यहाँ पर मैं अपलोड फ़ाइल पर क्लिक कर रही हूँ क्लिक करने के बाद आपकी जिस भी लोकेशन पे फ़ाइल पड़ी है वहाँ पे जाना है जैसे मैं यहाँ पर सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर रही हूँ सेलेक्ट करने के बाद वो जो आपकी फाइल है वो अपलोड हो चुकी है उसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे और इसको सेव कर देंगे सेव करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने ऐसा इंटरफेस पे शो हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ई रिक्वायर्ड में रिक्वायरमेंट यहाँ पर जो आपकी एग्जामेशन की रिक्वेस्ट थी वो वेरीफाई हो चुकी है तो इसके बाद आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं अपने बिड के लिए तो गाइज इस वीडियो में यही था कि आप अपनी ई एम कैसे ले सकते हैं जेम पोर्टल पे आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू